बिहार विधानसभा चुनावों में दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सभी पार्टियों के प्रचार का शोर उन सीटों पर है जहां तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। कल 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में प्रचार के दौरान सीपीआई के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार पर निशाना साधा था। आज कन्हैया ने पीएम के साथ एनडीए को भी इसका करारा जवाब दिया। तो क्या कहा है कन्हैया कुमार ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पीएम ने कल बिहार में एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हुए सीपीआई नेता कन्हैया कुमार को लेकर तल्ख टिप्पणी की, तो आज कन्हैया ने इसका जवाब दे दिया। कटिहार के प्राणपुर में महागठबंधन प्रत्याशी तौकीर आलम के समर्थन में जुटे लोगों से कन्हैया ने कहा कि पहले नीतीश कुमार बोलते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से नहीं मिलेंगे। अब जब नीतीश बीजेपी में मिल गए हैं तो बेचारे खुद ही मिट्टी में मिल गए हैं। बड़ी ही चालाकी से नड्डा चिराग जलाकर नीतीश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। पीएम ने डबल इंजन की सरकार वाले बयान पर तंज कसते हुए कन्हैया ने कहा कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इंजन एक है या दो। अब जो भी हो, लेकिन ये तय हो गया है कि ड्राइवर एक है और खलासी दो है। दोनों खलासी कह रहे हैं हटो इंजन पर हम बैठेंगे। ये चुनाव नहीं बल्कि झूठ की सरकार को बदलने का जन आंदोलन है। अब बिहार में जनता किसकी सुनती है और किसके पक्ष में फैसला देती है, ये 10 नवंबर को साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।